हाय गाइस, व्हाट्स अप, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। आप देख रहे हैं रेड कॉल गर्ल एंड मैं हूँ श्रुति। सो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे चैनल पे। मैं बात कर रही हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, दिस इज द इलाना सॉफ्ट ब्लर क्रीम कंसीलर प्लस फाउंडेशन। सो नाउ दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि ये कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का काम कर सकता है एंड इसके रिव्यूज़ काफ़ी कम है ऑनलाइन। तो यू गाइज वॉन्टेड मी टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट एंड इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही इसे बाय किया है एंड आज हम इसे होल एंड सोल देखने वाले हैं, लाइक इन डेप्थ इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। इसे मैं दो तरह से टेस्ट करने वाली हूँ, एक पूरा बेयर फेस होगा एंड उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे, सिर्फ मॉइस्चराइज होगा एंड उसके ऊपर हम ये कंसीलर प्लस फाउंडेशन अप्लाई करेंगे एंड इसका कवरेज टेस्ट करेंगे। सेकेंड, इसका जो कवरेज टेस्ट होगा वो कलर करेक्शन के साथ होगा, बिकॉज यू गाइज नो मुझे काफ़ी डार्क सर्कल्स एंड यहाँ वहाँ थोड़े पिगमेंटेशन है, ऑल थैंक्स टू माई पुअर लाइफ स्टाइल। बट येस, तो मैं मुझे कलर करेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो मेरा जो सेकेंड वे ऑफ टेस्टिंग होगा उसमें मैं पीच कलर की जो कलर करेक्टर होती है उसे मैं डार्क सर्कल्स पे अपने लगाऊंगी, सो दैट कि हम टेस्ट कर पाएँ कि वो लगाने के बाद इसका फिनिश कैसा आता है। सो यस, इसको हम बहुत ही अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं, फिंगर से एप्लीकेशन कैसा होगा, ब्रश से एप्लीकेशन कैसा होगा, ब्यूटी स्पंज से कैसा होगा, तो हम वो सब कुछ भी देखने वाले हैं, विद एंड विदाउट कलर करेक्शन देखने वाले हैं। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ सो दैट कि आपको जनरल नॉलेज मिले इसके बारे में। सो लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स। सो फर्स्टली, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे बॉक्स में आती है जिसमें लिखा है इलाना सॉफ्ट ब्लर, नेट वेट इज 15 grams, क्रीम कंसीलर प्लस फाउंडेशन। सो दिस इज इन अ क्रीम टेक्स्चर। सो ये इसे हम स्लाइड ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। सो ये एक कांच के जार में आता है, इट्स वेरी क्यूट। सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, आई होप ये विजिबल हो, तो इसे हम बस ऐसे ओपन करेंगे एंड हियर इज आवर फाउंडेशन। ये एक सॉलिड क्रीम फॉर्म में है एंड इसलिए इसके लिए जार ही सूटेबल है। ऑल्दो मुझे जार पैकेजिंग उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज हम हाइजीनिक रीजन, बट इसका जो टेक्सचर है उसके लिए जार पैकेजिंग ही प्रेफरेबल है। इस प्रोडक्ट के 3 shades अवेलेबल है, वन इज़ फेयर, सेकेंड इज़ ल्यूमिनस एंड थर्ड इज़ टैन। एंड ना मुझे लगता है कि मेरा स्किन टोन फेयर है और ना वो टैन की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मीडियम व्हीटिश से लेकर फेयर के बीच में है एंड दैट्स वाई ल्यूमिनस आई फेल्ट वुड सूट मी। एंड जिसने मुझे ज़्यादा हेल्प किया वो इनका ये कलर पैलेट वाला जो इमेज है इनके वेबसाइट पर, उसने हेल्प किया। सो उसे मैं स्क्रीन पर ज़रूर बताऊँगी आपको, सो आप अभी स्क्रीन पर देखोगे तो ल्यूमिनस का जो शेड है इट गोज़ विद माई स्किन टोन। प्लस इन्होंने बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है कि मैक, मेबलिन और हुडा ब्यूटी के शेड्स वहाँ पे दिए हुए हैं, सो दैट कि अगर आपका शेड उसके आसपास है तो आप वो शेड प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए। नाउ मेरा जो मेबलिन का शेड है इट्स 128 वॉर्म न्यूड शेड एंड मेरा जो मैक का शेड है वो NC25 और NC30 दोनों ही मुझे सूट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आई वॉज श्योर कि मुझे ल्यूमिनस शेड ही सूट करेगा एंड दैट्स वाई आई बॉट दिस शेड, दिस इज द ल्यूमिनस शेड। इफ़ यू नो योर मैक और मेबलिन शेड, आपके लिए चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि हम इसे एवरीडे यूज़ के लिए प्रेफर कर सकते हैं, जस्ट लाइक BB और CC क्रीम जो हम एवरीडे बेसिस पे हम लगा सकते हैं वैसा ही ये होगा। एंड आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसीलर और फाउंडेशन एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएगा, सो दैट सेव्स अस फ्रॉम द लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जिन्हें नहीं पता, इलाना ऑर्गेनिक्स एक एक ऐसी ब्रांड है जो
टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिक फ्री हो, जो क्रुएल्टी फ्री है, जिसमें पैराबेन, SLS जैसे यू नो हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। दे प्रेफर अ नेचुरल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, इसलिए हम इस ब्रांड पर यू नो रिलाई कर सकते हैं। अब दिस प्रोडक्ट इज अ बिट प्राइजी, इसकी प्राइस 1440 रुपीज़ है, विच आई नो इज़ अ लॉट। मुझे भी एक्चुअली इसकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा लगी। वन थिंग आई रियली लाइक इज़ कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब इसे लगाने के पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मतलब आज बहुत ज़्यादा यू नो केमिकल केमिकल फेस पर, हमें कभी कभार लग जाता है ना कि यार कितना लगा रहे हैं मेकअप एंड ऑल, तो उस हिसाब से इसकी जो क्लेम है कि ये हमारे इम्परफेक्शंस को ब्लर आउट करके एक मीडियम से बिल्डेबल कवरेज दे सकता है, सो इसलिए आज हम इसे बहुत अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये मतलब यू नो एवरीडे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। प्लस इसकी जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल और कोकम बटर। नाउ दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल एंड हमारे फेस पर हमें अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो एवरी डिटेल इज़ इन द पैक, तो इसलिए हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो येस, नाउ दीज वर सम डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, लेट्स सी कि आपको ये कैसा लगता है, क्योंकि मैंने तो करेंटली मैं यही अप्लाई की हुई हूँ, तो आप देख सकते हो आई एम लाइक रियली लाइकिंग इट। इसे मैंने अभी कितना बज रहा है, 5:25 PM हो रहा है, एंड मैंने इसे अराउंड 1 या 2 PM को लगाया था, उसके बाद मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं वो कर रही थी। सो तब से लेके अब तक मैंने ये लगाया हुआ है एंड आई फील इट्स सो लाइट वेट, एंड बिल्कुल भी इसने बज नहीं किया है फेस पे से, बिल्कुल भी हटा नहीं है, सो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और येस, इसे अप्लाई करने के बाद आपको ऑफकोर्स सेट करना पड़ेगा पाउडर से, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फाउंडेशन और कंसीलर हम सेट करते हैं वैसा ही। सो लाइक अगर मुझे रिव्यू देना हो फिलहाल के लिए, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि इट्स वेरी लाइट वेट, कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। बाकी हम सब कुछ देखेंगे टेस्टिंग के दौरान, सो दैट यू नो आपको वो देख कर समझ आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसा है, इसको यू नो ये आप प्रेफर कर सकते हो या नहीं। एवरीथिंग जब आपको देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ऑल इन ऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्राइजी है बट यू नो यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको बहुत केमिकल एंड ऑल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट गो फॉर इट। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर प्राइजी, दिस इज़ रियली सैडनिंग, बट येस आजकल इंडियन मार्केट में बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बट प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके। बट लेकिन अगर आपको अपने स्किन को यू नो एजिंग से बचाना है या फिर स्लो एजिंग करना है, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक उस वे में अगर आप सोचा जाए तो दिस प्रोडक्ट इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट, वेरी लाइट वेट एंड बिल्कुल भी केकीनेस फील नहीं हो रहा है फिलहाल, 2-3-4 घंटे तो हो गए हैं, बिल्कुल भी वैसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। सो येस, लेट्स सी दी यू नो डेमो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो दिस इज़ माई फेस बिफोर एप्लीकेशन, एंड फर्स्टली हम फिंगर्स के थ्रू अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को। सो बस हमें यहाँ पे इसमें फिंगर डिप करना है एंड अप्लाई करना है जहाँ पर भी पहले हमें यू नो पिगमेंटेशन को कंसील करना है। सो अभी फ़िलहाल मैं कंसील कर रही हूँ फिंगर्स से। सो एज यू कैन सी फर्स्टली मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ एंड उसके बाद हम डैबिंग करेंगे। तो पहले तो प्रोडक्ट को अच्छे से सब जगह अप्लाई कर दीजिए एंड उसके बाद जहाँ पर भी आपको लगता है कि कंसीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर मैं यू नो वैसे अप्लाई कर रही हूँ एंड जस्ट स्प्रेड इट, डैब इट, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस। नाउ लेट्स यूज़ अ ब्रश एंड उसे अब मैं अप्लाई करूँगी ब्रश से। फर्स्टली जहाँ जहाँ पे मुझे लगाना है ना वहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। सो जितना आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है उतना हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वेर एवर आई एम सीइंग ना कि कुछ पिगमेंटेशन है, रेडनेस है, वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। नाउ विद अ कंसीलर ब्रश मैं बस डैब करूँगी एंड जैसे नॉर्मल कंसीलर हम लगाते हैं ना ब्रश के थ्रू, वैसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं फिंगर से जो मैं अप्लाई कर रही थी ना वो उतना ज़्यादा मुझे कवरेज नहीं दे रहा था जितना मुझे ब्रश के थ्रू मिल रहा है।
I'll just dab everywhere. सो ऑनेस्टली मुझे ब्रश के थ्रू ज़्यादा ईजी लगा एंड अच्छे से वो स्प्रेड भी हो रहा था. सो दिस इज़ माई फाइनल फेस जब मैंने पूरा पूरी तरह से अप्लाई कर लिया है. सो आप देख सकते हैं फिंगर्स से एंड ब्रश से हमने अप्लाई किया है एंड आप कवरेज देख सकते हैं विदाउट कलर करेक्शन. सो यहाँ पे मैं यू नो सेटिस्फाइड तो हूँ. नॉर्मल डे के लिए हम लाइक यू नो नॉर्मल एवरी डे के लिए हम ये लुक कर सकते हैं. आप बिफोर आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है. अब हम कलर करेक्शन यूज़ करेंगे. आई जस्ट यूज़ अ पीच शेड. सो ये मेरा छोटू वाला कंसीलर ब्रश है एंड इससे हम यू नो डेडिकेटेडली उस प्लेस में आराम से डार्क सर्कल्स के यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ कलर करेक्टर को. तो आप देख रहे हैं कि कलर करेक्टर आधा गेम यू नो फिनिश कर देता है. सो एज यू कैन सी पीच कलर लगा लिया है एंड जहाँ पर मुझे थोड़ी रेडनेस दिख रही है वहाँ मैं ग्रीन कलर करेक्टर लगा रही हूँ. सो नोज एंड ऑल के एरिया में मुझे थोड़ा रेडनेस हो जाता है एंड जस्ट स्प्रेड कर देना है उसे. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं उस अभी इस फाउंडेशन को मतलब कंसीलर के जैसे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ कंसीलर प्लस फाउंडेशन. तो फिलहाल आई एम जस्ट कंसीलिंग दोज पार्ट जिसे मैंने कलर करेक्ट किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली वो एरिया ब्राइट हो जाता है एंड जो भी रेडनेस है वो कैंसिल आउट हो जाती है. एंड सेम मैं अभी अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर दूंगी एंड वो बहुत ही अच्छे से यू नो कवरेज दे देता है. सो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से जो भी कंसील करना था वो मैंने कर लिया है. अब मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू इसे एज अ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. तो यहाँ हमने ब्रश से भी ट्राई आउट कर लिया है, फिंगर से ट्राई आउट कर लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी ट्राई आउट कर लिया है. सो सबकी फिनिश आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड दिस इज द थ्री बिफोर एंड आफ्टर्स. सो ऑनेस्टली मुझे कलर करेक्टर के बाद ज़्यादा ठीक लगा कवरेज बिकॉज मुझे बहुत पिगमेंटेशन है. आप उसे अवॉइड कर सकते हैं. सो ये मेरी फाइनल लुक है. कलर करेक्टर के बाद मुझे ज़्यादा कवरेज दिखी है. आप उसे अवॉइड कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. आई होप आपके जो भी क्वेरीज होंगे या फिर जो भी डाउट होगा कवरेज रिलेटेड या फिर यू नो इसकी एफिकेसी के बारे में, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो आइडिया मिल गया होगा एंड लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन इट. आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट? अगर मुझे बोला जाए कि इसे रेटिंग देना है 5 में से आई वुड गिव अ 4 जस्ट बिकॉज यू नो इट्स इसकी जो पैकेजिंग इट्स अ रियली नाइस पैकेजिंग. जार पैकेजिंग इज़ नेसेसरी फॉर सच अ प्रोडक्ट बट स्टिल मुझे ना थोड़ा सा हाइजीन पर्पज की वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है. आई फील थोड़ा सा मेसी हो जाता है और थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है एंड दैट्स वाई आई एम रिड्यूसिंग 1 mark. अदरवाइज कवरेज ना मुझे लगता है कि BB CC क्रीम से एक स्टेप आगे है इसकी कवरेज एंड कलर करेक्शन के साथ तो मतलब बॉम कवरेज है इसकी. तो यस यू नो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको कलर करेक्टर लगाना पड़ेगा इसके पहले एंड अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई इशू नहीं है तो दिस प्रोडक्ट वुड बी रियली रियली नाइस फॉर यू. नाउ सिंस ये नेचुरल प्रोडक्ट है ऑफकोर्स आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा. तो आप अपने यू नो इनर एल्बो के यहाँ पर आप इससे टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार कुछ प्रोडक्ट्स यू नो सूटेबल नहीं होता सबको. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू अ पैच टेस्ट फॉर अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने फेस पर लगा लोगे एंड अगर आपकी फेस उस चीज़ से सेंसिटिव होगी तो इशू हो जाएगा. सो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. सो यस ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं बोल रही हूँ. कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा. तो यस ऑल इन ऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा. 4 out of 5 आई विल गिव एंड इसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. इसे फिनिश तो करूँगी
एंड अब लॉकडाउन में कहीं निकल भी नहीं रहे, प्रॉब्लम वही है. सो आई जस्ट यूज इट अप फॉर माई वीडियोज देन. तो येस, दिस वॉज माई रिव्यू, फर्स्ट इंप्रेशन टेस्टिंग वीडियो फॉर इलाना सॉफ्ट ब्लर फाउंडेशन एंड कंसीलर. होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैंशन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड रियली रियली लाइक टू रीड इट. सो गाइज, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज, टेक केयर, आई लव यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ.